प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। कांग्रेस की मैराथन कंप्लीट हो चुकी है, विजेताओं के नाम जो है घोषित हो गए, कल इनको इनाम मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी। लल्लू जी, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। आज इतनी लड़कियां यहां पर दौड़ी, आपको उम्मीद थी कि शहर से इतनी दूरी पर यह कार्यक्रम है, उसके बावजूद हजारों की तादाद में लड़कियां यहां गई। मैं तो अवाक हुआ आपको देखकर। ये तो बिहार का बहुत प्रमुख अखबार है और आप यहाँ पर हैं, यानी आपको भी ये लड़कियों की जो लड़ाई है, प्रियंका जी का नारा है, वो पसंद है। और ये क्रांति है, बदलाव की शुरुआत है, तस्वीर बदलने जा रही है, नई कहानी और नया इतिहास लिखने जा रही है। और मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत हो चुकी है। लल्लू जी, इसके पहले भी बहुत सी महिला नेत्रियाँ रही हैं, लेकिन आधी आबादी की बात कभी किसी ने नहीं किया है। किसी ने तो शुरू की, आप उसको बधाई दीजिए। जी, सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है ये इतने बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, 2022 का जो चुनाव होगा उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लड़कियाँ लड़ेंगी और उनको जिताया जाएगा और निश्चित तौर से वो अपने विधान को बनाएंगी। वो अपने लिए आत्मविश्वास, जो उनका जोश, जो उनके अंदर एक नई चेतना हो और नई उमंग पैदा होगी और राजनीति को बदलाव की तरफ ले जाने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, चुनाव के बाद भी क्या कांग्रेस लड़कियों को ऐसे ही जो है आत्मनिर्भर और जागरूक करती रहेगी? बिल्कुल करेंगे, कितनी बड़ी बात है, 40% टिकट देने जा रहे हैं, अब इससे बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है? ये तो शुरुआत है। अब प्रियंका जी का नारा एक बार आप दे दीजिए। बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी। प्रियंका जी वाला नारा दीजिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और हमारा समर्थन है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है और इनके साथ हम लोग खड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी। तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए प्रभात खबर पे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।